रानिया की अनाज मंडी को देखकर के गदगद हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस रैली में पीठ थपथपाई आयोजकों की सरकार पर बरसे। कांग्रेस के राज में शुरू हुए कार्यों का श्रेय ले रही है भाजपा। और दलित हेलीकॉप्टर से पहुंचे स्टेडियम में रैली में आयोजकों ने इस पगड़ी पहनाकर किया सम्मान। रंजीत सिंह चौधरी रंजीत सिंह व डॉक्टर अशोक तंवर भी इसमें नदारद रहे इस जिससे कांग्रेस की फूट भी नजर आने लगी। अभी भी कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज रानिया में अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा व इनेलो नेता गुटबाजी ऐसे ही रहती है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र को प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान होकर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रदेश के कार्यों में विकास कार्यों में पहले से ही पहले स्थान पर रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार में यह पिछड़ गया है। उन्होंने आज बहादुरगढ़ में मेट्रो के उद्घाटन पर मान सम्मान नहीं मिलने पर भी प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाई। कार्यक्रम में चौधरी रणजीत सिंह हुड्डा के समर्थन में नदारद रहे वह डॉक्टर अशोक तंवर भी नहीं पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार को जिस आशा से प्रदेश के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, लेकिन लोगों की आशा टूट गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है। प्रदेश में अनेक प्रकार की हिंसाएं और हिंसक घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 4 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों का मन भंग किया है और प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से प्रदेश की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को फतेहाबाद में भी उनकी यात्रा शुरू होगी। बहादुरगढ़ में मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन समारोह में मान सम्मान नहीं मिलने पर दीपेंद्र हुड्डा नाराज होकर के सिरसा लौट आए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के बुलाए पर वे इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना शिष्टाचार नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि अपने लोकसभा क्षेत्र के कुछ मांगे प्रदेश सरकार के सामने रखनी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनको यह अवसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो के विस्तार के लिए कुछ सुझाव सरकार के सामने रखनी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपना शिष्टाचार नहीं निभाया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के बारे में उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों में क्या काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हुड्डा के खिलाफ बोलने की बजाय प्रदेश के खिलाफ आवाज उठाएं, प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। दलीप जी बीच में आओ। गोरेला को मेरे परिवार से चौधरी देव प्रकाश जी कसमा पगड़ी पहनाकर सुशील गर्ग जी वाइस चेयरमैन पुरस्कारित कर रहे हैं। किसान को माफ किया।
मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश में लोगों का विश्वास भाजपा सरकार से हिला है, विश्वास टूटा है, लोग अपना वो ठगा महसूस कर रहे हैं और लोग हुड्डा सरकार के कार्यकाल को याद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि लोग ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार ने अपने वायदों को ना पूरा किया, किसी पार्टी से मुकाबला नहीं रहेगा। हरियाणा के अंदर लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा चाहते हैं। ये आज की हरियाणा की परिस्थिति का निष्कर्ष है। चाय का कार्यक्रम था यहाँ पे, और चाय के कार्यक्रम में जो मैं समझता हूँ कि जो लोग उपस्थित हैं उनका भी बहुत हार्दिक धन्यवाद है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो लोग नहीं भी आए उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी कोई ये उम्मीदवारी की वो बात नहीं, ये आज एक चाय का कार्यक्रम है जिसको रैली का रूप जो दिया गया, जो एक हजारों की संख्या में लोग आए पूरे क्षेत्र से। ये बातें तो आज की कोई विषय नहीं, क्योंकि कांग्रेस का पार्टी का आखिर में हमारा जो है स्क्रीनिंग कमेटी और इलेक्शन कमेटी इन चीज़ों का फैसला करती है। और इसमें आज का कोई मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा ये है कि 22 तारीख को, 22 जुलाई को आप लोग के माध्यम से मेन जो आज खबर आप लोग भी बनाएंगे, 22 जुलाई का न्योता हमने दिया है। 22 जुलाई को टोहाना फतेहाबाद में जन क्रांति रथ हुड्डा साहब का पहुंचेगा, जिसमें टोहाना में बड़ी जनसभा की जाएगी, जिसके लिए मैं समझता हूँ रानिया हल्का किसी से पीछे नहीं रहेगा। और 22 तारीख से पहले उस जनसभा की तैयारी के लिए हम लोग सारे जुटेंगे, सारे हलकों में जुटेंगे।